मैजिकल जॉइंट ऑरेंज ऑटो। सोनू नगर नाम के गांव में एक बहुत ही बड़ा धनवान रहता था। उसका नाम करण और उसके बेटे का नाम मोहन। करण के पास बहुत सारे ऑटो थे। गांव के सभी लोग उसके ही ऑटो चलाया करते थे। करण का भाई मुरली करण की सारी संपत्ति को देखकर बहुत जलता था। वहीं वो मुरली इस करण के पास जितने ऑटो और जितना सोना पड़ा है उसको चुराने का प्लान बनाना पड़ेगा। एक दिन वहां उस गांव में बाढ़ आ जाने की वजह से वो सारा गांव डूब जाता है। वैसे उस गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर बहुत बड़ा जंगल था। वहां जब रात होती है तो कुछ ही टाइम के बाद एक जगह से एक शैतानी जादूगर आ जाता है और वहां पर एक पेड़ को प्रकट करता है। वो जादूगर, बस तुम्हें अब हमारी दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम अब बहुत बूढ़े हो चुके हो। तुम्हारे पास जितनी भी शक्तियां बची हैं वो अब मैं छीन लूंगा। तुम्हारा अब समय खत्म हो चुका है। वहाँ उस जंगल में करण और मोहन भी आ जाते हैं। वो ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। वही मोहन, पिताजी ये क्या देख रहा हूँ मैं, हम तो यहाँ पर रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे और ये तो कोई खतरनाक शैतानी जादूगर जैसा दिखने वाला कोई लग रहा है। वैसे वो जादूगर उस बेचारे पेड़ से उसके पास बची सारी शक्तियाँ छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है और वो पेड़ एकदम सूखा पड़ जाता है। करण और मोहन जल्दी से उसके पास जाते हैं। बेटा मोहन, ये कोई साधारण पेड़ नहीं लग रहा है, लगता है उस दुष्ट जादूगर ने इस पेड़ से इसकी शक्तियाँ छीन ली हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको पानी देते हैं, हो सकता है ये दोबारा ठीक हो जाए। ठीक है पिताजी। मोहन कहीं से पानी लेकर आता है और उस सूखे पेड़ को देने लगता है। कुछ समय के बाद उस पेड़ के अंदर जान आ जाती है। वो एक संतरे का पेड़ होता है और अब उस पेड़ के अंदर पानी डालते ही अब पहले से भी बहुत ज्यादा शक्तियां आ जाती हैं। करण और मोहन उस पेड़ को हरा भरा देखकर बहुत आश्चर्य हो गए। तभी करण, देखा मैंने कहा था ना ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये किसी और ग्रह से आया होगा। और वहीं वो संतरे का पेड़, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, एक दुष्ट जादूगर ने मुझे अपने ग्रह से निकाल कर क्योंकि मेरी शक्तियाँ कम हो गई थी, अब मैं यहीं पर ही रहूँगा। अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ गई हैं और मैं अब उस शैतानी जादूगर को नहीं छोड़ूंगा, उससे मैं बदला लेकर ही रहूँगा। लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, हमारा बहुत बड़ा ऑटो का व्यापार था लेकिन अब वो नहीं रहा, एक बाढ़ आने की वजह से हमारा सब कुछ चला गया। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और हमारे पास अब पैसे भी नहीं हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम देखो मेरा कमाल। बस वहीं वो संतरे का पेड़ एक मैजिकल ऑरेंज ऑटो प्रकट करता है। उसे देख कर मोहन, अरे ये तो बहुत ही कमाल का ऑरेंज ऑटो है, इसे तो चलाने में बहुत मजा आएगा। ये कोई साधारण ऑटो नहीं है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी शक्तियां डाल दी हैं, अगर तुम किसी मुसीबत में होगे तो ये तुम्हारी मदद करेगा। करण उसको दूसरे गांव जाकर चलाने लगता है और लोग उस ऑटो में आने लगते हैं। करण उस मैजिकल ऑरेंज ऑटो से बहुत पैसे कमाता है और फिर से अपना वो बड़ा सा घर बना लेता है। और वहीं उसका भाई मुरली फिर से कोई प्लान बनाने लगता है। अब फिर से इसने सब कुछ बना लिया दोबारा से, लगता है ये इस ऑरेंज ऑटो की वजह से हुआ है। आज इस ऑटो को मैं रात होते ही चुरा लूंगा। वैसे जब रात होती है तभी वो मुरली उस मैजिकल ऑरेंज ऑटो के पास जाने लगता है। बस जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है वो मैजिकल ऑरेंज ऑटो उसे बहुत दूर फेंक देता है। ये कोई साधारण ऑटो तो नहीं लगता है, इसमें तो बहुत पावर थी, लेकिन इसका तो मैं अब काम तमाम करके ही रहूंगा। बाद में वो एक आविष्कारक के पास जाता है और उस मैजिकल ऑरेंज ऑटो का उसे बताता है। एक दिन करण का बेटा मोहन उस ऑरेंज ऑटो पर कहीं जा रहा होता है, तभी वो मुरली और वो आविष्कारक उसके सामने आ जाते हैं। इस ऑटो का तो मैं अब काम तमाम करके ही रहूंगा। वो आविष्कारक उस मशीन को इस्तेमाल करता है उस मैजिकल ऑरेंज ऑटो पर। वहीं पर वो ऑरेंज ऑटो ये सब देखकर एक जॉइंट ऑरेंज ऑटो में बदलकर उन पर बहुत बड़े बड़े संतरे फेंकने लगता है। तभी वो मुरली,
कृपया करके ये जॉइंट ऑरेंज हमारे ऊपर से हटाओ, नहीं तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। फिर बाद में वो संतरे गायब हो जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। जॉइंट गोट पेट्रोल पंप। लालनगर नाम के गांव में एक ही पेट्रोल पंप था। उस पेट्रोल पंप का मालिक भीम ठाकुर नाम का एक व्यक्ति था। भीम ठाकुर के आदमी लोगों से ज्यादा पैसे लेकर उन्हें बहुत ही कम पेट्रोल भरते थे। एक दिन एक व्यक्ति भीम ठाकुर से, कोई और पेट्रोल पंप ना होने के कारण हम यहीं से ही पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन रोजाना हमारा कुछ दूर जाते ही पेट्रोल खत्म हो जाता है। ए, हमें पेट्रोल खुद बहुत महंगा मिलता है, ज्यादा बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। आप ऐसे नहीं मानोगे, रुको मैं पुलिस को लाकर आता हूँ। तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, रुको तुम्हें मैं अभी मजा चखाता हूँ। उस बेचारे व्यक्ति को पेट्रोल पंप से जब वो थोड़ा दूर चला जाता है तो उसे भीम ठाकुर के गुंडे रोककर, तुमने हमारे बॉस की सबके सामने इंसल्ट की है, तुम्हें अभी मजा चखाते हैं। भीम ठाकुर के गुंडे उस बेचारे व्यक्ति को बहुत मारते हैं। भीम ठाकुर के पेट्रोल पंप पर एक सोनू नाम का व्यक्ति पेट्रोल भरवाने के लिए आता है। उसके ट्रक पर बहुत सारी बकरियां होती हैं। पेट्रोल भरवाने के बाद वो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो सोनू, बस पेट्रोल खत्म ना हो इसीलिए ये जंगल का रास्ता चुना है मैंने, अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो मेरा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो जैसे पेट्रोल खत्म होने का बोल रहा था, बस कुछ ही दूर जाते ही वो बकरियों से भरा ट्रक रास्ते में अचानक जंगल के बीच में रुक गया। सोनू बहुत डर गया, अब क्या करूं, सुना है यहाँ पर तो बहुत ही खूनखार शेर हैं, अगर वो आ गए तो मेरी सारी बकरियों को खा जाएंगे। और वहीं पर बहुत सारे शेर उसकी बकरियों को देख रहे होते हैं और वहीं तेजी से आने लगते हैं। वो सभी शेर सोनू की सारी बकरियों को खा जाते हैं। सोनू अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। बाद में वो उसकी सारी बकरियों को शेर खा गए ऐसा दुखी होकर, इस भीम ठाकुर की वजह से आज मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, अगर रास्ते में पेट्रोल खत्म ना होता तो ऐसा कभी ना होता, अब इस भीम ठाकुर से मैं बदला लेकर ही रहूंगा। ऐसे वो बातें करते हुए वो थोड़ा आगे जाता है तो कुछ लोग वहां पर जमा होते हैं। वहीं एक व्यक्ति, भीम ठाकुर के पेट्रोल पंप के अलावा कोई और जगह भी तो नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकालना ही होगा। वहीं सोनू भी, मेरा आज उस भीम ठाकुर की वजह से बहुत नुकसान हो गया, अब इसका तो कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। वो ऐसे घर जाता है और कुछ सोच रहा होता है, वैसे उसी अपनी एक बकरी सामने नजर आती है और सोनू को एक आइडिया आ जाता है। उस आइडिया पर काम करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे तो वो गांव वालों के पास जाकर, मित्रों मेरे पास उस भीम ठाकुर को सबक सिखाने का एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो गांव वाले, ठीक है हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं। ठीक है हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं। वैसे सोनू अपने उस आइडिया पर काम करता है और वो एक बहुत ही विशाल गोट जैसे दिखने वाला एक गोट पेट्रोल पंप तैयार करता है। वहां भीम ठाकुर के पास अब बहुत कम लोग आने लगते हैं। भीम ठाकुर को भी जब पता चलता है उस गोट पेट्रोल पंप का, वो सीधा सोनू के पास जाता है। लगता है तुम कोई मुझसे बदला ले रहे हो, लेकिन तुम मुझे शायद नहीं जानते हो, अगर तुमने आज ही इस गोट पेट्रोल पंप को खत्म ना किया तो मैं खुद तुम्हें भी और इस गोट पेट्रोल पंप को भी आग लगा दूंगा। मेरे साथ पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ सकता है, आज ही इसको खत्म करो। तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम ज्यादा पैसे लेकर और कम पेट्रोल डालकर ऐसा मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, इसीलिए अब मैंने तुम्हारे साथ बदला लेने की ठान ली है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। सोनू जल्दी से अपनी उस जॉइंट गोट पेट्रोल पंप में बैठकर भीम ठाकुर को उसी जंगल में लेकर जाता है। भीम ठाकुर उसका पीछा करते करते उसकी गाड़ी का पेट्रोल अब खत्म हो जाता है। दरअसल सोनू भीम ठाकुर की गाड़ी का पेट्रोल निकाल दिया था, बस अब भीम ठाकुर भी उसी जंगल में फंस जाता है। कुछ टाइम के बाद रात हो जाती है और वहीं पर भेड़ियों की आवाजें आने लगती हैं और वो भेड़िए भीम ठाकुर को चारों तरफ से घेर लेते हैं।